अनुज जी, आप लगातार भक्ति भजन करते हैं, भजन सम्राट के नाम से आपको जानते भी हैं लोग, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर भगवान को ही आड़े हाथों लोग लेके अब फिल्में बना रहे हैं, अमर्यादित पोस्टरें आ रही हैं। लीना की बात कर रहे हैं क्या है? तो लीना के लिए जो सबसे खराब पागलखाना हो उसमें उसको जगह दिला दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो लोग करते हैं बेहूदी हरकतें करते हैं चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे उसको। लेकिन टीएमसी की सांसद इसको सही ठहरा रही हैं, खुले मन से वो इसका समर्थन भी कर रही हैं। उसको गलत कह दिए? अरे इसको बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए, गलत कह दीजिए, वो तो गलत कर रही है। कई मुस्लिम मौलाना जो हैं शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट तक के संबोधित कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं, तो ऐसे धर्म हम आपको एक बात बताएं, विचलित होना और न विचलित होना ये हमारे ऊपर है। गौतम बुद्ध एक गाँव में गए, वहाँ के लोग आ गए, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे कि हम तो रामकृष्ण के भक्त हैं, ये हमको क्या सिखाने आ गए। वो चुपचाप बैठे रहे, गालियाँ सुनते रहे, चल दिए। दूसरे दिन सुबह एक भक्त ने पूछा, उसने इतनी आपको गालियाँ दी, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने ली ही नहीं, उसने दी, हमने नहीं ली। तो अपने को ऐसा बनाइए, कब तक हिंदू सहिष्णु रहेगा? नहीं नहीं, हिंदू बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदू में जो एक सहने वाली बात है वो भी तो हिंदू में ही है, तो ये भी तो बहुत बढ़िया। जापान के प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, देखिए दुख है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि वहाँ जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी घोषणा करता है, कोई ऐसा नियम बनाता है जिससे कुछ लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए तो सिक्योरिटी दी जाती है ना हमेशा, कि भाई उनके पद से उतर जाने के बाद भी सिक्योरिटी दी जाती है, कि कुछ लोग नाराज भी तो रहे होंगे कि भाई इन्होंने ये नियम बनाए थे, तो इस तरह के ये मर्डर हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारी इंदिरा जी नहीं गई इसमें? ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह के मामले में, क्या लग रहा है जिस तरह से हिंदू पक्ष कर रहा है उसको अब मंदिर सौंप देना चाहिए, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि वहाँ से शिवलिंग निकला है, हिंदुओं को मिल जाना चाहिए और एक और भव्य मंदिर बने, अरे आनंद आता है। कमाल 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 हो गया, हम तो पिछली बार वो बन रहा था, लेकिन हम वहाँ से नीचे उतरे, पहले मंदिर गए, वहाँ से सीढ़ियाँ बन रही थी, नीचे गए गंगा जी तक, उनको स्पर्श किया, आचमन किया, और उसके बाद हम वही रास्ते आए। अब तो कंप्लीट बन गया होगा, तो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया लोगों का वहाँ से नीचे जाना, ऊपर आना, वहीं से दर्शन करिए, अंदर आइए। एक और सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल और तमाम सारी पूजा पाठ और प्रसाद सब कुछ अपने वहाँ कराएंगे, जो बड़े मंदिर है उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, वहाँ से भी वो सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या रेट में सेम रेट ही होगा या कुछ क्या फर्क होगा? ये सब आप चेक कर सकते हैं, जो रेट कार्ड होगा वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन जो व्यवस्था है ना वो केवल पूजा की नहीं है, उनको घर से लाने की, कि कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है, उसको आना है काशी, तो वो समझ नहीं पाता मैं कैसे आऊँ, तो उसकी पूरी फैसिलिटी करना वो बड़ी बात है। यहाँ तो करेंगे यहीं के पुजारी ही करेंगे, उसमें थोड़ी कोई और कर सकता है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।